हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापा जी टीकनो में। मैं राहुल। दोस्तों आज आपके लिए ओप्पो रेनो 12 5G फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बात करेंगे हम अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आपको लॉक स्क्रीन में कोई नोटिफिकेशन आती है, व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो या फिर फेसबुक या फिर कोई भी चीज़ का मैसेज आता है, तो उसके लोगों को आप हाइड कर कर रखना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका फ़ोन लॉक है और कुछ आपको मैसेज आ गया व्हाट्सअप से, और आपको उस चीज़ को हाइड करके रखना है कि किसी को, अगले व्यक्ति को पता ना चले कि हमारे फ़ोन में किस चीज़ से मैसेज आया। तो सिंपली उस चीज़ को आप कैसे हाइड करेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो भी बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, सेटिंग ओपन करेंगे। देन दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद जाएंगे हम नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर, इसे टैप करेंगे। देन दोस्तों टैप करने के बाद यहाँ हमें फिर से एक ऑप्शन होता है स्टेटस बार वाला, तो इसे हम टैप कर देंगे। देन दोस्तों टैप करने के बाद यहाँ पहला ऑप्शन हो रहा होगा नोटिफिकेशन लोगोस, तो इसको हमें टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद आपको यहाँ तीन ऑप्शन हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। पहले ऑप्शन में शो लोगो, यानी आपको जो भी जिस चीज़ का मैसेज आएगा वह शो कराएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में आपको बताएगा कि इतने चीज़ का आपका इतने मैसेज है, और जो आपका थर्ड ऑप्शन, इसमें आपको कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन शो नहीं कराएगी। तो जैसे कि दोस्तों आपको यह कराना है कि हमें सेकंड वाला ऑप्शन कर दीजिए, इसमें जो भी आपको मैसेज आएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं जैसे ही हमने इसे टैप किया तो हमें कुछ वन मैसेज यानी नोटिफिकेशन है तो यहाँ शो करेगा। जितने भी आपको मैसेज रहेंगे उसके हिसाब से यह शो करेगा। तो सिंपली दोस्तों आप इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन लोगो को हाइड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।